हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था राधे श्याम ट्रिपल आर आचार्य की मूवी की डिटेल्स और रिलीज डेट के बारे में। वो ऑफिशियल अनाउंस हो गया जो मैंने 2 दिन पहले ही बताया था। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल पे वो जाके जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आज पे जो यूट्यूब पे भरत मिलाप पे लगे हैं कई लोग जो अल्लू अर्जुन सर हैं और यश सर हैं, उसे पुष्पा 2 के मेन विलन पे अपोजिट रोल पे दिया जा रहा है यश सर को उनका रोल। इसी बारे में जो डिटेल्स निकल के आ रही है उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और वो बेल आइकन को दबा ही दीजिएगा। अब बात करते हैं हम उस न्यूज के बारे में। तो भाई ये भाई जितने भी यूट्यूबर हैं इनको बता रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार, ये रिपोर्ट्स लाते कहां से? बाबूजी किस्मत की हवा तभी नरम, मतलब सुकुमार सर ने कहीं भी हिंट नहीं दिया ना अल्लू अर्जुन ने कहीं भी हिंट नहीं दिया, फिल्म मेकर्स की तरफ से भी कोई अपडेट कोई भी न्यूज नहीं, और आप लोग डायरेक्ट व्यूअर के नाम पे चेप दे रहे हो कि ये मूवी है उस पर अपोजिट रोल होने वाली है यस सर के। तो मैं साफ साफ बता रहा हूं दोस्तों, ये कहीं भी नहीं होने वाला है। और ये हो क्यों रहा है इसके बारे में बताता हूं। अभी बॉलीवुड पे इतनी सारी फिल्म आने वाली है, फिर भी पुष्पा 2 और KGF 2 की जगह कोई नहीं लेने वाला है। इसकी जो हाइप बनी वो नेक्स्ट लेवल पे बनी हो, मतलब वो स्टैंड कर रहे हैं अभी जितने भी फिल्म आने वाली है बॉलीवुड पे सबसे ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, इतनी ज्यादा वो हॉट टॉपिक है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं उस तवे पे ना रोटी सेकने पे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइप है KGF की, अगर उसके बारे में तिनका भी निकलता है ना तो वो आग पकड़ लेती है। इसी का सब फायदा उठा रहे हैं और पुष्पा 2 पे उससे अपोजिट रोल की बात कर रहे हैं जिनसे वो मतलब सिंपति गेन हो पाए और जिससे मतलब व्यूज लेके आ सके। पर ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों, मैं साफ साफ बता दो अनऑफिशियल सारे न्यूज हैं। और अभी मैं ऑफिशियल आप लोग बता दूं, ऐसे कहीं भी अप्रोच नहीं हुआ है कि विलन जो है वो से यश सर को लिया जाए, ऐसा सुकुमार सर ने कहा। हाँ इतनी मतलब की न्यूज आई है कि उनके जो मतलब कि ना जो पुष्पा 2 की होने वाली है उस पर स्टोरी कुछ चेंज कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी स्टोरी तैयार थी, अब कुछ उन पे ऐड करने वाले हैं क्योंकि फिल्म 100 करोड़ प्लस अब मतलब हिंदी बेल्ट में कमाई कर चुकी है। तो अब हिंदी यानी नॉर्थ ऑडियंस के लिए उन्हें और कुछ उन पे ऐड करना होगा। इनके लिए उन्होंने कहा था कि जो थोड़ा सा हम स्टोरी पे चेंज करने वाले हैं और उनके जो पुष्पा का जो मतलब वो जर्नी है उससे हम थोड़ा सा लुकआउट करेंगे, उनके बारे में फिल्म थोड़ा फोकस करेगी। ऐसी डिटेल्स निकल के आई थी, मगर कहीं भी अपोजिट रोल के लेके या तो किसी विलन को लेके कोई भी अपडेट नहीं आई है। उनकी ये सोच थी कि हम बॉलीवुड से किसी एक्टर को लेके आएंगे जिससे मतलब कि ना जैसे ट्रिपल आर वाले ने किया अजय देवगन सर के साथ और आलिया सर के आलिया मैम के साथ में, ऐसा कुछ हम मतलब कि कोलैब करेंगे, ऐसा उनकी सोच थी। मगर यश सर के साथ ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है दोस्तों। तो ऐसे न्यूज से बचे रहिएगा और कोई भी तरह के मतलब ना अपने मन पे वो मतलब होता है ना एस्पेक्ट और मतलब हम लोग मन पे एक स्टैंड कर लेते हैं कि ये होगी तो ऐसा नहीं होने वाला है फिलहाल। तो इस तरह की ऑफिशियल अपडेट के लिए मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा और बने रहिएगा जरूर मेरे चैनल पर इसी तरह की अपडेट के लिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।